हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। तो दोस्तों सब लोग कैसे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों मेरे पास आई है जुपिटर टीवीएस की। जब भी दोस्तों आपकी गाड़ी की जाम हो जाए तो कैसे पता करें कि इंजन ख़राब है या और कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। चाबी ऑन करते हैं, सेल्फ कोई वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। और किक मारते हैं तो जाम। देख सकते हैं बिल्कुल जाम है। अब ऐसे में क्या करें, एक सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अब इसका ना मैनेट का हिस्सा है, उसको घुमा के देखते हैं कि इंजन हमारा सेफ है कि नहीं है। जैसा कि ये मैग्नेट वाला हिस्सा होता है, ठीक, और इसमें 14 नंबर का गोटी या बाना ये लग जाता है इसके अंदर। तो हमको इसके अंदर डाल के इस तरीके से घुमा के चेक करना होता है कि हमारी क्रैंक पिस्टन ठीक है या और दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी टिक वाला हिस्सा खोल के पता चलेगा मैन कहानी का। जैसे कि ये यहाँ से घूम रहा है, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये ना घूमता तो समझ लेते हैं कि सब पिस्टन या क्रैंक में कोई फॉल्ट आ गया है। इस तरीके से ये यहाँ से वर्किंग सही कर रहा है। बाकी किक वाला हिस्सा खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। किक लग गई, अभी किक लग चुकी है इसकी, जो लग चुकी है कि मैंने वहाँ से घुमाया है। बहुत जाम टैप की चल रही है, जाम टैप तो हार्ड हो गई बिल्कुल। तो भाई खोल के चेक करते हैं कोई क्या निकलता है इसके अंदर। तो भाई देख सकते हैं क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ये देखो बेल्ट, ठीक है ना, ये बेल्ट बेल्ट टूट के जाम कर दिया है। किक क्यों नहीं लग रही थी, किक देख लेते हैं। किक इसलिए लग रही है, घुमा नहीं पा रही थी, ठीक है ना। इसको घुमा नहीं पा रही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप किक लग रही है ना आराम से, ये देखो वापसी आ रही है, ना। तो बेल्ट इसके अंदर फंस के इसको कर दे जाम, इसकी वजह से किक नहीं लग रही थी। तो भाई ये ग्राहक जब लेके आया था ना मेरे पास, किसी मिस्त्री ने इसका इंजन खोलने का डिसीजन बता दिया था, 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे साहब,
इस तरीके से बना दिया, चेक भी नहीं किया बंदे ने सीधा। अब भाई उस बंदे ने मेरे को कॉल किया, ठीक कॉल किया, मैंने कहा भैया तुम मेरे पास लेके आओ। वो बंदा रिक्शे पे धरवा के फिर मेरे पास लेके आया, ठीक, और आपके सामने मैंने खोल के दिखा दिया है। तो भाई इसको खोल के और चेक कर लेते हैं एक बारी। फिर डालते हैं इसकी बेल्ट। सत्रह नंबर की गोटी से लगता ही है, ठीक है ना भाई। नट भी ढीले पड़े हुए हैं इसके। इसके लेदर भी कटे पड़े हुए थे यार, कलस्सू भी खत्म पड़े हैं। पूरे चित्र के छानबीन करके उसे खोल के चेक, तो भाई देख सकते हो एक सांप होता है ना जो लपेटे खा लेता है, तो इस तरीके से लपेटे खा रखा भाई इसने। देखो इसकी तार बन गई, देखो डोरी बन गई है इसकी बेल्ट की, चला चला के चला चला के। ये सब ठीक है, ये बेल्ट डालनी पड़ेगी और क्लशू, क्लशू थोड़े टेढ़े से हो गए हैं इसके, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यह हिस्सा बिल्कुल नीचे है, ये देखो बराबर है ना। एक बार खोल के इसको देख लेते हैं। इसको दबा के खोलोगे तो आसानी से खुल जाता है। डालते समय भाई पूरी तसल्ली करें, ठीक, अधूरा काम छोड़ोगे तो बाद में आप हमें परेशानी होती है, ठीक है ना भाई। सारा कुछ चेक करना होता है। ये भी हिस्सा ख़राब हो जाता है ना, तो ये कट कट की आवाज़ जो आती है ना इसमें से आती है, इसकी जो गुल्लियाँ होती है ना वो ख़राब हो जाती है, तो पूरा सेट नया डालना पड़ता है। और कोई कोई तो मिल जाती हैं इसकी गुल्लियाँ भी। तो भाई ये जिस हिसाब से लेदर कटे पड़े ना, तो भाई इसको चेंज करने में फ़ायदा है, ये देख सकते हो।
कि बाद में दिक्कत खड़ी हो जाए अगर ऐसे चलाऊंगा तो ड्रम में खिंचाव आएगा, पिकअप भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको चेंज ही करना होगा। सबसे बेस्ट रहेगा तरीका, क्योंकि देखो ये सेट घिससे खा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है बिल्कुल भी प्ले, ठीक है ना, और यहाँ प्ले है। तो ये क्लच शू ऐसा टेढ़ा चल रहा है ये, ठीक है ना। इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, कभी कभी ये गुल्लियाँ होती है ना, ये भी कट जाने के बाद भी दिक्कत आती है। इसमें होता है लॉक, ये लॉक होते हैं, लॉक निकाल के ये बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से ये बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को संभाल के रखना होगा। तो दोस्तों उसके ना मैं मार्केट से जाके इसको ले आता हूँ, क्लच शू और बेल्ट, और इसकी बैटरी लगाते हैं चार्जिंग पे, ठीक है ना। इसकी बैटरी चार्जिंग पर आके एक बार सेल्फ को देखना है वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, क्योंकि उस टाइम जाम था। हाँ अब घूम रहा है, अब सेल्फ काम कर रहा है, तो सेल्फ काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ना हॉल को ढूंढा जाता है, इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि लोग बाग इसकी इंजन भी खोल देते हैं, मगर यार ईमानदारी भी कुछ चीज़ होती है ना, तो उस पर बंदा टिका रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो किस्मत का खाना होता है, ठीक। अगर मैं चाहता तो मैं इंजन भी खोल सकता था, मगर नहीं, अपनी अपनी सोच का फ़र्क होता है, ठीक है ना। जायज करें, ईमानदारी से करें, सबसे बेस्ट वही तरीका होता है। तो दोस्तों मार्केट में जाता हूँ एक बार, इसका सामान लेके आते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट वन था, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने के चक्कर में ये पार्ट वन, तो पार्ट टू आएगा दोस्तों। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहना, पूरी पूरी आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और बाकी देता आऊँगा, क्योंकि मैं हर इंसान की मदद कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज होता है लाइक सब्सक्राइब करने का, ठीक है ना। तो BX6 मॉडल की भी गाड़ी दोस्तों बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ, थोड़ा ब्याह शादी में फंसा पड़ा हूँ उस टाइम में, तो जितनी जानकारी होंगी उतनी जानकारी दूंगा फुल, टेंशन मत लेना किसी चीज़ के बारे में। BX6 के में PDF जिसको भी चाहिए सारा कुछ मिलेगा मेरे पास, ठीक है ना। तो आपको निराश नहीं करूँगा किसी हालत में, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर हर गाड़ी की वीडियो, हर गाड़ी का PDF प्रॉपर्टी स्कैनर के साथ पूरी डिटेल दी जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगला पार्ट 2 आएगा, ठीक है।